जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, विद्या गुरु संस्मरण लाया है आप सभी के लिए एक अनोखी प्रस्तुति। विद्याधर से विद्या सागर तक की संपूर्ण यात्रा कुछ प्रसंगों के माध्यम से। तो मित्रों, आज इस चौथे चरण में हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रह्मचारी विद्याधर ने मुनि बनने की तैयारी शुरू कर दी थी और साथ ही साथ किस तरह मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं अन्य लोगों द्वारा ब्रह्मचारी विद्याधर की समय समय पर परीक्षा ली गई। तो दोस्तों, यह जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो बात सन 1967 की है। किशनगढ़ अजमेर राजस्थान चातुर्मास के दौरान एक दिन रात्रि में ब्रह्मचारी विद्याधर जी को बिच्छू ने काट लिया। मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने समाज के लोगों से शीघ्र उपचार कराने के लिए संकेत दिए और समाज वालों ने तुरंत ही वैद्य जी को बुलवाया, पर ब्रह्मचारी विद्याधर ने उपचार लेने से मना कर दिया। बिच्छू के डंक की पीड़ा और उपचार की मनाही देख के समाज के कुछ लोगों ने आग्रह किया, परंतु विद्याधर के ना मानने से समाज के कुछ वरिष्ठ एवं प्रमुख लोगों ने उपचार ना लेने का कारण पूछा। तब विद्याधर बोले, मुझे मुनि बनना है, तब कैसे सहन करूंगा। और ऐसा कहकर वह अपनी चटाई पर लेट गए और बिना किसी उपचार के उस असहनीय पीड़ा को समता के साथ सहन करते रहे। समाज के लोगों ने जब मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज को यह वृतांत बताया, तब मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चेहरे पर गर्व मिश्रित मुस्कान फैल गई और उन्हें अपने शिष्य के मुनि बनने की तीव्र अभिलाषा का भान भी हो गया था। तो दोस्तों, इस तरह छोटी छोटी चीजों से ब्रह्मचारी विद्याधर ने मुनि बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। ब्रह्मचारी विद्याधर जी की चर्या, साधना, लगन, निष्ठा आदि सभी कुछ को देखकर मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज उनसे प्रभावित एवं संतुष्ट थे। अभी शिष्य को आए 8 माह ही तो हुए थे, वह कभी विद्याधर की निर्दोष चर्या देख गर्व से फूल जाते तो कभी उनकी परीक्षा कर 100 में से 100 अंक प्रदान कर खुश हो जाते थे। कभी वह श्रावकों से परीक्षा करवाते और उसमें भी जब विद्याधर को खरा पाते तो वे मन ही मन मयूर की भांति झूम उठते थे। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने कजौड़ी मल जी अजमेरा से पूछा कि विद्याधर कब सोता है और कब उठता है, इस बात पर कभी ध्यान दिया है आपने। तब कजौड़ी मल जी ने आकर बताया कि गुरुदेव, वह दिन में जितना अध्ययन करता है, जितना विषय पढ़ते हैं, जब तक वह रात में पूरा तैयार नहीं कर लेते तब तक वे सोते नहीं हैं, और कितने भी बजे सोए पर 4 बजे उठ ही जाते हैं। दोपहर में तो विश्राम करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पूरे समय आपकी ही नजरों के सामने रहते हैं। यह सुनकर गुरुवर भाव विभोर हो जाते हैं। एक ओर मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज विद्याधर को कक्षा में निर्देश देते हैं कि आचार्य प्रणीत ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए, वहीं दूसरी ओर श्रावक द्वारा गुप्त रीति से पंडित प्रणीत मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहुंचवा देते हैं। जब विद्याधर द्वारा उसे स्वीकारा नहीं जाता तो गुरुदेव हर्षित हो उठते हैं। एक दिन मयूर पिछी को बिखेर कर उसे बनाने का निर्देश देते हैं और विद्याधर द्वारा बना दिए जाने पर उन्हें स्नेह पूरित नेत्र से निहार उठते हैं। कभी वह सुनते हैं कि विद्याधर एक पैर से खड़े होकर साधना कर रहे हैं और कभी सुनते हैं वह शीर्षासन लगाकर साधना कर रहे हैं। कभी उन्हें पता चलता है कि विद्याधर तो रात में अपनी चोटी को छत से कड़े से बांधकर अध्ययन कर रहे हैं। एक दिन तो श्रावकों से पता चलता है कि आज तो विद्याधर अपने काले घने मजबूत बालों को अपने ही हाथों से निर्दयता पूर्वक उखाड़ते चले जा रहे हैं, सर से खून के छींटे उछट रहे हैं। और यह सब सुनकर मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज अंदर ही अंदर जिन शासन की महिमा से भर जाते हैं। तो दोस्तों, कितना कहें और क्या कहें, अनंत गुणों का बखान तो सर्वज्ञ स्वयं नहीं कर पाए, तो फिर सामान्य की सामर्थ्य कहाँ है गुरुदेव का बखान करने का। मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध थे, अनुभवी थे, विद्वान थे और महाव्रती थे। उनके हाथ में एक अनमोल पाषाण था जिसे तराश कर
वह जीवंत भगवंत की रचना करने जा रहे थे। इसके लिए गुरु स्वयं कसौटी बन गए थे, जिस पर पल प्रतिपल अपने शिष्य रूपी सोने को कसते जा रहे थे और हर बार 16 आना खरा पाकर विश्वास से भर जाते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने बाल ब्रह्मचारी विद्याधर से कहा कि यदि मुनि बनना है तो दिगंबर मुद्रा में खड़े होकर सामायिक साधना करनी चाहिए। और उधर गुरुवर ने पंडित विद्या कुमार जी सेठी से कहा, आपने विद्याधर को कभी दिगंबर मुद्रा में देखा है क्या? और सुनिए दोस्तों कि पंडित श्री विद्या कुमार जी सेठी ने गुरुदेव से आकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, विद्याधर की मुद्रा तो तीर्थंकर के समान वीतरागता का स्वरूप प्रकट कर रही है। और यह सुनते ही गुरुवर का हृदय कमल खिल उठा और विचार किया कि अब शिष्य रूपी सोने को कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब विद्याधर को तो मुनि दीक्षा ही दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से आचार्य भगवन यानी विद्याधर की समय समय पर कठिन परीक्षाएं भी हुई, परंतु हर परीक्षा पर उन्होंने उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए। और क्यों ना करते, क्योंकि एक महान गुरु के महान शिष्य जो ठहरे थे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने यह तय कर लिया था कि विद्याधर को एलक नहीं, छुलक नहीं, सीधे मुनि दीक्षा ही देनी है। तो दोस्तों, यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और गुरु भक्ति में लीन रहें। अपना ख्याल रखें। सादर जय जिनेंद्र।